साढ़े चार साल पुराने मामले के अंदर जो उच्च न्यायालय में आज भी लंबित है, उच्च न्यायालय में जो पक्षकार थे उसको किसी प्रकार का अंतोष जब नहीं मिला, सत्ता का सहारा लेकर साढ़े चार साल बाद एक FIR दर्ज करा के, और हमने बार बार कहा कि हमारे डॉक्यूमेंट भी आप रिकॉर्ड पर लीजिए, इसकी CID CB से जांच कराइए, वो जांच नहीं कराकर, और जिस तरह कई हत्याओं के अपराधी को घेर कर पकड़ा गया, उसमें पकड़ा गया बिना नोटिस के, ये शर्मनाक बात है। आज इस बात को लेकर हम लोगों ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी दी, कल हम कट के सामने इसके लिए धरना देंगे, सांकेतिक धरना देंगे, अपने साथियों से बात करके इस आंदोलन को तेज करेंगे। पर पूरा पुलिस प्रशासन IG बीकानेर के इशारे से नाच रहा है, और IG बीकानेर यहाँ IG स्पेशल ब्रांच के माध्यम से चोट वसूली का जिस प्रकार का खेल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे चूरू में पहले कभी नहीं। उसके पश्चात भी सब जूडियस मामले के अंदर इस प्रकार की गिरफ्तारी एक तरह से जनप्रतिनिधि का अपमान है, कि राजनीतिक द्वेषता तो ही अशोक जी गहलोत IG बीकानेर के इशारे पर जो खेल खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ आग से खेलने के समान है। मामला जो उच्च न्यायालय में था, न्यायालय फैसला गुणा उगण के आधार पर करता, हम न्यायालय के फैसले का मान और सम्मान करते, ये नादिरशाही है सरकार की, और अब भी हमारे लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है पुलिस, हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे।